नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाए या दीबा पाटिल का नाम दिया जाए, इसको लेकर प्रकल्पग्रस्तों का आंदोलन चल रहा है। प्रकल्पग्रस्त चाहते हैं कि उनके मसीहा दीबा पाटिल का नाम एयरपोर्ट पर दिया जाए, लेकिन राज्य के उद्धव सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और इसीलिए आंदोलन अब तीव्र होने लगा है। 24 तारीख को प्रकल्पग्रस्तों का विशाल आंदोलन सिडको का घेराव करने वाला है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त रुपेश जमाल जी हैं। आप कराड़ी संघर्ष समिति के युवा अध्यक्ष हैं। रुपेश जी, क्या मांग है आप लोगों की? आखिर दीबा पाटिल जी का नाम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतना आवश्यक आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मुंबई से आज तक का जो उधर का मूल भूमिपुत्र था वो गुम हो गया है, मतलब उसका जो अस्तित्व था वो वहाँ से निकल गया है। उसके बावजूद दीबा पाटिल साहब ने यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्रों के लिए इतना जो कुछ किया है, इतने एक्ट बनाए हैं, उसमें एक एक्ट है कि 12.5%, मतलब यहाँ के लोगों को भूमिहीन करके उनको और दूसरी जगह पे ऊपर के सातारा वो साइड में डाल देते थे। अगर वो लोग उधर जाते थे तो उनको खेती नहीं करने को मिलती, नहीं कुछ करने को मिलता था। तो उनका अस्तित्व यही जगह पे कायम रखने के लिए दीबा पाटिल साहब ने 5 हुतात्मा देकर इतना बड़ा आंदोलन किया और यहाँ के भूमिपुत्र का अस्तित्व जिंदा रखा। तो इसलिए जो हमारा गुम हुआ मुंबई का अस्तित्व है, जो भूमिपुत्र का अस्तित्व यहाँ से चला गया है, वो वापस से मुंबई में स्थापित करने के लिए, वापस से स्थापित करने के लिए हमारी मांग है कि दीबा पाटिल साहब का नाम ही दिया जाए। क्योंकि दीबा पाटिल साहब का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जब भी लगेगा, वो टाइम पे जब रिसर्च होगा तभी देखने को पूरे अंतर्राष्ट्र से बाहर से लोग आएंगे और रिसर्च करेंगे कि ये आदमी कौन है, तभी उनका कुलाचार क्या रहेगा, उनकी पास्ट क्या रहेगा, उनका पूरा भूमिपुत्र का अस्तित्व क्या था, उनका वजूद क्या था, ये पूरा देश देखेगा। क्योंकि यहाँ का भूमिपुत्र ये अंतर्राष्ट्रीय पे व्यापार भी करता था नाव लेके, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे भूमिपुत्रों के हाथ में यहाँ पे आरमार दिया था चलाने को, इतना विश्वास शिवाजी महाराज को था। तो वो इतिहास की वापिस से हर एक को समझे, इसलिए दीबा पाटिल साहब का नाम इस विमानतल के लिए जरूरी। जिस तरह से राज्य सरकार या खासकर सिडको का रवैया है, तमाम डिमांड की गई थी 2012 से लगातार दीबा पाटिल साहब का नाम लेने की बात चल रही थी, विधानसभा में भी कई विधायकों ने इसका मुद्दा उठाया था। इसके बावजूद भी सिडको ने एकल नाम का प्रस्ताव बनाया और सिर्फ बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया। आपको सिडको की भूमिका क्या लग रही है? सिडको अगर देखी जाए तो हमेशा बोलते हैं वी मेक सिटीज, उन्होंने कभी यहाँ के गाँव वालों का सोचा ही नहीं। अगर वो सोचते तो 12.5% दीबा पाटिल साहब को आंदोलन करके, नहीं तो 5 हुतात्मा दे के बनाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि उनके पास कंसेप्ट नहीं है यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्रों को कैसे जिंदा रखे, यहाँ के गाँव कैसे डेवलप करे, उनके पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। और उन्होंने जो अभी ये ठहराव मंजूर किया है तो उनके वो ठहराव हम लोग अनधिकृत ठहराव बोलते हैं, वो आज तक हमारे भूमिपुत्र को अनधिकृत ठहराते हैं। लेकिन देखा जाए तो असल में इन्होंने जो ठहराव लिया है वो अनधिकृत लिया है, क्योंकि इतने सालों से 8 सालों से यहाँ का भूमिपुत्र, यहाँ के भूमिपुत्र के प्रकल्पग्रस्त के जो लीडर है, ये मांग कर रहे थे कि दीबा पाटिल साहब का ही नाम होना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे जी ने वापस से अगर वो नाम के अप्लाई किया और एक दिन में आप तुरंत उस पर ठहराव लेते हो तो ये गैरकानूनी है, मतलब आपके हाथ में सत्ता है, इसका आप गैर जवाबदारी से इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कहा तो गलत है। जिस तरह से राज्य सरकार ने अभी एक ऐसा विकल्प आपको, आप लोगों प्रकल्पग्रस्तों को सुझाया है कि कोई जरूरी नहीं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, इसके अलावा दूसरे विकल्प हैं, जो MTHL बन रहा है, नवा सेवड़ी जो सीलिंक बन रहा है उसका नाम दिया जा सकता है और दूसरा नाम दिया जा सकता है, इस विकल्प को आप किस तरह से देख रहे हैं? उस विकल्प को देखना चाहे तो मैं राज्य सरकार को बताऊंगा कि अगर आपको विकल्प दिख रहे हैं ना तो बाला साहब का नाम आप उधर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे लड़ने वाला जो भूमिपुत्रों का योद्धा है, जो लड़ाई हमारे नेता ने हमारे लिए की थी, तो यहाँ पे दीबा पाटिल साहब का ही नाम रहेगा। अगर राज्य सरकार ने समृद्धि महामार्गों को नाम दिया है बाला साहब ठाकरे का, बाला साहब ठाकरे के नाम से अभी उन्होंने स्मारक भी बनाया है, हर जगह पर बाला साहब ठाकरे जी का ही नाम क्यों, यह हमारा सवाल है। इसलिए हमको आप विकल्प मत दीजिए, हमारा ठाम निर्णय है कि यहाँ पे दीबा पाटिल साहब का ही नाम रहेगा। जिन्होंने दीबा पाटिल साहब को प्रत्यक्ष तौर पर प्रकल्पग्रस्तों के लिए संघर्ष करते हुए देखा, उनको न्याय दिलाते हुए देखा, आप नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नई पीढ़ी का रुझान किस तरह से है, कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं दीबा पाटिल के अस्तित्व को और उनके संघर्षों? अगर देखा जाए तो यहाँ के अभी तरुण पीढ़ी है वो तो सोचते हैं जैसे हमारे लिए शिवाजी महाराज है, वैसे ही हमारे लिए हमारे भूमि में जन्मा हुआ हमारा भूमिपुत्र का नेता दीबा पाटिल साहब है। मतलब अगर हमारी पुरानी पीढ़ी है दीबा पाटिल साहब के साथ में काम किया है तो उन्होंने हमें हमारा इतिहास बताया है,
तो हम इतिहास को ध्यान में रखते हुए आने के पीढ़ियों को हमारा इतिहास जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए दीपा पाटिल साहब का ही नाम विमानतल को। अभी जो 24 तारीख को आंदोलन की तैयारी है उसमें युवाओं की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस युवा दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो युवा है ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है और इस तरह से प्रत्यक्ष जब संघर्ष करने की बात आती है, अस्तित्व और पहचान की लड़ाई की बात आती है, तो युवा पीछे हट जाते हैं। आपको किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है? इस लड़ाई में युवा का एक निर्णय है, अगर हमें हुतात्मा भी होना पड़ा तो हम हुतात्मा होने के लिए तैयार है। ये लेवल पे आक्रोश यहाँ के लोगों का है, लेकिन अभी तक ये सब पूरे देश ने इधर के भूमिपुत्रों का गुस्सा देखा है, लेकिन हम लोग शांतता से भी आक्रोश कैसे कर सकते हैं ये आने वाले 24 तारीख को हम दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी कायदा सुव्यवस्था डिस्टर्ब हो ऐसे काम न करके युवा शांत से भी आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारे आने के ये 24 तारीख को आंदोलन की दिशा रहेगी। पुलिस ने आगाह किया है कि अगर कोई भी प्रकल्पग्रस्त सड़क पर उतरेगा तो उन्हें उनके खिलाफ सख्ती से प्रतिकार किया जाएगा, आप इस जो चेतावनी को किस नज़रिए से देख रहे हैं? चेतावनी को देखा जाए अगर वो हमें केसेस डालने के बोल रहे हैं तो हम लोग तो मरने के लिए निकले, तो केसेस हमारे ऊपर लेना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने पहले भी पुराने हमारे इसमें अगर खाली कोई आग उठा के देखे तो हम लोगों ने केसेस लिए है खुद पे, तो इधर हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम लोग केसेस लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग जान देने के लिए रास्ते पे निकलने वाले। हमारा जान भी गया तो चलेगा, लेकिन दीपा पाटिल साहब का ही नाम विमानतल को रहना चाहिए, ये मैं उनको बताऊँगा। और मैं पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि इतने सारे भूमिपुत्रों को समझाने से अच्छा है आप पहले एक सोचें कि कोरोना में लोगों को रास्ते पे सड़क पे उतरने की कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें चलो हम लोग रास्ते में उतरते हैं, हमारे जान मुट्ठी में लेके हम लोग आते हैं। ये हमें लाने के लिए जो टॉर्चर किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे ने किया जा रहा है, तो आप पहले उनको समझाइए कि ये जो आपका पिता प्रेम आ रहा है आगे, तो वो पिता प्रेम आप किधर तो रोकिए, और अपने नेता का प्यार रोक के इधर के स्थानिकों की जो जनभावना है उनको आप पहले प्रायोरिटी देके वो नाम फिक्स करिए। तो ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ उस बैठक में प्रकल्पग्रस्तों को उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं दिया जा सकता है, वो अपने पिता के नाम पर अड़े हुए हैं, यानी बाला साहब ठाकरे के नाम पर अड़े हुए हैं। इस फैसले को या इस रवैये को आप क्या मान रहे हैं? क्या ये प्रकल्पग्रस्तों का अपमान है? अगर ऐसा है तो 24 तारीख को सीएम के खिलाफ किस तरह की रणनीति होगी? पूरे यहाँ के महाराष्ट्र के जिन्होंने शिवसेना को महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है उनका अपमान है, क्योंकि इधर स्थानिक लोगों की मतलब भूमिपुत्रों की कौन सी भी बात न सुनते मीटिंग से उठ के जाना ये बहुत ही बेजवाबदारपना ये यहाँ पे मुख्यमंत्री का दिख रहा है, क्योंकि मतलब अगर मुख्यमंत्री होना चाहिए तो लोगों के बारे में सोचने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, ना कि लोगों को ऐसे धुतकारे और फटकारे कि आप चले जाओ हमें आपके कुछ सुननी नहीं है, मेरा पिता प्यार ही रहेगा और मैं पिता प्यार से ही मैं मेरे पिताजी का ही नाम दूंगा। तो ऐसे यहाँ के महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा इस रवैये से आम आदमी से सामान्य जनता से बात की। अगर पुलिस दमनकारी अगर रवैया अपनाती है तो उस वक्त युवा प्रकल्पग्रस्तों का जो रवैया होगा वो क्या होगा, और कैसे आप अपने लिए न्याय ले पाएंगे, कैसे दीपा पाटिल साहब का आप न्याय दिला पाएंगे? पुलिस ने अगर जोर जबरदस्ती की तो हम लोग तो एक ही सोच रहे हैं कि हमें दीपा बनना है, हमें दीपा पाटिल साहब के विचारों पे चलना है, इसलिए अगर हम पुलिस का ज़्यादा हमें टॉर्चर करती है तो हम लोग सोचेंगे कि अगर हमें अरेस्ट करो हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है, और सिर्फ अरेस्ट करके छोड़ो मत, हमारे ऊपर केसेस डालो, इतने तक हमारी तैयारी है। जब तक दीपा पाटिल साहब का नाम विमानतल को नहीं लगता तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि खुद रूपेश धुमाल जी जो युवा नेतृत्व हैं और जो युवा प्रकल्पग्रस्तों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी सीधी तौर पर एक ही मांग है कि जब तक नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं दिया जाता तब तक प्रकल्पग्रस्त सड़कों पर उतरेंगे और अपने लिए न्याय की मांग करते रहेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।